जमली धाम में खुले हुए 17 वर्ष हो रहे हैं और पिछले 17 वर्षों से यहाँ पर विशेष करके धार्मिक महासम्मेलन का आयोजन हर वर्ष होता है। इस बार भी ये 13 नवंबर से शुरू हुआ और 19 नवंबर को आज इसका समापन हो रहा है। इस कार्यक्रम के करने से जो लोग अपने पशुधन को सड़कों पर छोड़ रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे और अपने गौधन को की रक्षा के लिए अपने घर में इसको रखें, ताकि इसके रखने से हमारी गौ माता की रक्षा भी हो और हमारी कृषि की रक्षा भी हो। प्रदेश के माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष और 18 तारीख के बाद पुनः इस प्रदेश की बागडोर संभालने वाले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता सुजानपुर के विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी करने वाले हैं। यूरिया खाद आई है, कुछ समय के लिए फसलों की बढ़ोतरी तो जरूर हुई है, लेकिन धीरे धीरे हमारे खेत इतने इस यूरिया खाद के आदि हो गए हैं कि अब यूरिया खाद डालने के बिना कुछ भी वहाँ होना असंभव है, जिसके कारण उस यूरिया खाद के कारण फसल में भी अब बहुत बेहद कमी आ गई है, क्योंकि खेत जो है अब बिना देसी खाद के यूरिया खाद भी काम नहीं कर रही है। इसलिए जो हमारे वहाँ यूरिया खाद का जो प्रचलन था, उसके कारण दूध में भी कमी आई है, फसल में भी कमी आई है, क्योंकि जिस घास को यूरिया खाद के घास को जो गौएं या भैंसें खा रही हैं, उसके कारण दूध का में बेहद कमी आ गई है और उसके प्रजनन शक्ति भी कम हो गई है। इस करके गौशाला ने भी अब यहाँ पर देसी खाद का एक बहुत अच्छा यूनिट बर्मी कंपोस्ट का लगाया है, जिसके माध्यम से हम किसानों को यूरिया खाद जैविक खाद लोगों को दे रहे हैं और बहुत से ऐसे हमारे किसान अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें देसी खाद ही खेतों में डालनी चाहिए और यूरिया खाद को हमें बंद करना चाहिए। बहुत से लोग इस परिस्थिति में इस पोजीशन में आगे आ गए हैं और वो अब अपनी देसी खाद ही अपने खेतों में यूज़ कर रहे हैं। पशुधन को रखें ताकि खेती भी अच्छी हो और दूध भी अच्छा मिले।